गुरु रविदास जी 15वीं-16वीं शताब्दी में एक महान संत, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक और भारत में भगवान के अनुयायी हुआ करते थे। निगुण संप्रदाय के ये एक बहुत ही प्रसिद्ध संत थे, जिन्होंने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। रविदास जी बहुत अच्छे कवित्व थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने अनुयायियों, समाज एवं देश के कई लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक संदेश दिया। रविदास जी की रचनाओं में उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम की झलक साफ दिखाई देती थी। वे अपनी रचनाओं के द्वारा दूसरों को भी परमेश्वर से प्रेम के बारे में बताते थे और उनसे जुड़ने के लिए कहते थे। आम लोग उन्हें मसीहा मानते थे क्योंकि उन्होंने सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े कार्य किए थे। कई लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते थे और आज भी पूजते हैं। ए, सुनो, हमारी जूती टूट गई है, क्या तुम इसे ठीक कर दोगे? हाँ हाँ शास्त्री जी, क्यों नहीं, अरे यही तो मेरा काम है, लाइए दे दीजिए। लीजिए शास्त्री जी, आपकी जूती ठीक हो गई। कितने पैसे हुए? जो मन करे दे दीजिए। ये लो शास्त्री जी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? जो पूछना है जल्दी पूछो, हमारे पास समय नहीं है। आप लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? आज पूर्णिमा है, इसीलिए हम सब लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं। गंगा माँ के चरणों में दान पुण्य करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परंतु तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? आप लोगों को देखकर मेरे मन में ख्याल आया था कि आप लोग जरूर किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं। अगर आप लोग मेरा भी एक काम कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। करने योग्य होगा तो अवश्य करेंगे। जल्दी बताओ क्या काम है? शास्त्री जी, आज बड़ा शुभ दिन है और आज के दिन मैं भी चाहता हूँ कि कुछ दान पूर्ण करके गंगा माई का आशीर्वाद प्राप्त करूँ। शास्त्री जी, मेरी तरफ से ये दमड़ी गंगा माई को अर्पण कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, दे देंगे, लाओ। ये क्या बात कर रहे हो? ज्ञानी होकर अज्ञानी जैसा काम करते हैं? क्यों, क्या हुआ? राम राम, आंखें होते हुए भी अंधो जैसी बात कर रहे हैं। ये छोटी जाति से है, अगर इसकी छुई हुई दमड़ी आपने छू ली तो आप भी अपवित्र हो जाएंगे। गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद भी पवित्र नहीं हो पाएंगे। राम 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 राम। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। सुनो, तुम अपने दमड़ी इस पत्थर पर रख दो। जैसी आपकी आज्ञा। ओम अपवित्राय पवित्राय नमः। हाँ, अब ठीक है, अब आप इसे छू सकते हैं। ठीक है, चलो। शास्त्री जी, एक प्रार्थना और थी। आप क्या है? शास्त्री जी, अगर गंगा माई स्वयं हाथ बढ़ाकर मेरी ये भेंट स्वीकार करें तभी दीजिएगा, अन्यथा मत दीजिएगा। अगर स्वीकार करें तो बोल दीजिएगा ये तेरे भक्त रविदास ने भेजी। ठीक है भाई, हम ऐसा ही कर देंगे। चलो 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 चलो। जय हो गंगा मैया की। हे माँ, तू अपनी कृपा सदा हम पे बनाए रखना। माँ, यदि हमसे कोई पाप हो जाए तो अपने इस पावन जल से उसे धो डालना। माँ, हे माँ, तू अपनी शरण में हमें सदा रखना। माँ, जय हो गंगा मैया। अरे मित्र, आप कुछ भूल रहे हैं क्या? अरे वही शूद्र जिसे आपने अपनी जूती ठीक करवाई थी, उसकी दी हुई दमड़ी। अरे उसने कहा था कि स्वयं गंगा माता हाथों से स्वीकार करे तो देना, अन्यथा नहीं। पागल कहीं का। अरे भाई, याद आया याद आया, यही दमड़ी ना? हाँ हाँ हाँ। हे गंगा मैया, ये दमड़ी उस शुद्ध रविदास ने आपको भेंट करने के लिए दी है और ये भी कहा है यदि आप स्वयं अपने हाथों से इसे स्वीकार करें तो ही हम आपको दें। जय हो गंगा मैया। अरे गुरुजी, आप भी क्या उस शूद्र की बातों में आ गए? भला ऐसा भी कहीं हो सकता है कि स्वयं गंगा माँ अपने हाथों से उस शूद्र की भेंट स्वीकार करे?
अरे हा? जब हम लोग शूद्र की दी हुई चीज नहीं लेते तो ये गंगा मैया कैसे लेंगी? मैं एक काम करता हूँ, ये दमड़ी मैं अपने पास रख लेता हूँ, मेरा आने और जाने का खर्चा निकल जाएगा। आज दान और पुण्य में बहुत खर्चा हो गया है। ठीक है भाई, इस दमड़ी को तुम ही रख लो, अब चले। चलो भाई, ठहरो, इधर लाओ, मेरे भक्त रविदास की दी हुई भेंट मुझे दे दो। मैं अपने भक्त की भेंट स्वीकार करती हूँ। मैं अपने भक्त की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। लाओ वो दमड़ी मुझे दे दो। और सुनो, ये कंगन मेरी ओर से मेरे भक्त को दे देना और कहना मैंने उसकी भेंट स्वीकार कर ली। चलो भाई, चलो यहाँ से जल्दी चलो। ये मुझे लगता है ये जरूर उस शूद्र का फैलाया कोई माया जाल है। चलो गुरुजी, हमारी आंखों ने जो देखा और हमारे कानों ने जो सुना, क्या वो सच था? वो तो एकदम सच था, किंतु ये बिल्कुल सच नहीं था कि गंगा माँ ने स्वयं अपने हाथों से उस शुद्ध रविदास की भेंट स्वीकार की। और मुझे तो लगता है ये शुद्ध रविदास कोई बहुत बड़ा मायावी है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैं अपनी आंखों और कानों पर अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इस तरह के मायावी चमत्कार दिखाकर उस शुद्ध रविदास को क्या प्राप्त होगा? प्रसिद्धि। हाँ हाँ, प्रसिद्धि। वो यही चाहता है कि हम उसके इस माया जल को चमत्कार समझें। तो आगे की कहानी मेरी पूरी तरह से समझ में आ गई। वो शूद्र यही चाहता है कि उसके इस चमत्कार की चर्चा हम पूरे राज्य में करें, जिससे राज्य के भोले भाले लोग उसे गंगा माँ का सच्चा भक्त समझकर उसकी पूजा करने लगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस कंगन का क्या करें? अरे करना क्या है, दे देते हैं शूद्र को। राम राम, कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, इस कंगन को महाराज के पास लेके चलते हैं, वो जरूर हमें इस कंगन के बदले में उचित इनाम देंगे। यही रहेगा। तो चलो महाराज के पास चलते हैं। लेकिन उस रविदास के बच्चे से क्या कहेंगे हम? अरे हम उसके घर के सामने से ही नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, और वो इतना अंतर्यामी तो है नहीं। अरे उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि गंगा माँ ने उससे देने के लिए कोई कंगन दिया भी है या नहीं। और देखो ये कंगन गंगा माँ ने स्वयं अपने हाथों से हमें दिया है, इसलिए इस कंगन पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। तो चलिए ये तय हुआ कि कल हम सब महाराज के पास चलते हैं, और कल हम सब लोग डी बाबा वाले पेड़ के नीचे मिलते हैं। जय हो डी बाबा की। नहीं विश्वनाथ जी, अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे तो लगता है कि इनाम के बारे में सोचकर गुरुजी सारी रात सोए ही नहीं होंगे। तो आ गए विश्वनाथ जी, देर से आए पर दुरुस्त आए। क्या बात है भाइयों, आप लोग रात को घर नहीं गए क्या? अगर घर चले जाते तो धनवान कैसे बनते? चलिए जरा जल्दी चलिए, हमें राजमहल पहुंचने में कई देर ना हो जाए। चलिए चलिए चलिए। आ,
अब ये कौन सी माया है शूद्र रविदास की? गुरु जी इस पर ध्यान मत दीजिए, पतली गली पकड़िए और निकल लीजिए। हाँ हाँ चलो शाही बाग तक तो आ गए। गुरु जी आप ही बार बार पीछे मुड़कर क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो देख रहा था अपने वो गुरु हरिशंकर जी कहाँ रह गए। लगता है वो डर गए और घर गए। घर पो कहीं का, चलो महाराज से मिलते हैं। अरे भाई द्वारपाल, हम लोगों को महाराज से अभी मिलना है। अभी सूचना देता हूँ। रुको, पंडित जी के लिए सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है, इन्हें महाराज से अभी मिला देते हैं। आइए चलो भाइयों। चलो चलो महाराज, महारानी की जय हो। महाराज पंडित विश्वनाथ जी आपसे मिलने आए हैं। ठीक है आने दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराजा काशी नरेश और महारानी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप लोग हमसे इतनी सुबह सुबह क्यों मिलना चाहते हैं? महाराज मैं बताता हूँ, हमें हमारी वर्षों की भक्ति से जो फल प्राप्त हुआ है वो हम आपको भेंट करना चाहते हैं। वर्षों की भक्ति का फल हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। अगर भक्ति का फल आप लोगों को मिला है तो उसे आप हमें क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि महाराज ये हमारे किसी काम का नहीं, ये तो सिर्फ महारानी जी के योग्य है। ये तो वास्तव में बहुत अद्भुत कंगन है, लेकिन ये तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? महाराज ये कंगन हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा माँ ने भेंट स्वरूप हमें दिया है। क्या कहा, स्वयं गंगा जी ने आप लोगों को यह कंगन दिया है? सच महाराज यह तो बड़ा अद्भुत कंगन है, इसने तो हमारा मन मोह लिया है। लेकिन इस एक कंगन का हम क्या करेंगे? इनसे कहिए इसके साथ का एक और कंगन लाकर दे। सुन लिया विश्वनाथ जी, अब आप लोग पूजा और भक्ति करके गंगा माँ से हमें इसमें का दूसरा कंगन भी लाकर दें, हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। क्षमा करें महाराज, लेकिन इसमें का दूसरा कंगन हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने की तुम्हारी हिम्मत? असल में महाराज ये कंगन गंगा माँ ने हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें नहीं दिया, बल्कि उस शूद्र रविदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भेंट करने के लिए दिया है। क्या कहा, गंगा माँ ने स्वयं ये कंगन रविदास को भेंट करने को दिया है? हमें यकीन नहीं हो रहा, हमें सारी घटना विस्तार से बताओ। बताता हूँ। महाराज हमने सोचा कि वो शूद्र रविदास इस सोने के कंगन का क्या करेगा, और बस इनाम पाने के चक्कर में इसे लेकर आपके पास चले आए। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, ऐसा तो आज तक कभी सुनने में नहीं आया। कल हम स्वयं रविदास जी से मिलने उनके घर चलेंगे और आप सबको भी हमारे साथ वहाँ चलना होगा। रविदास जी रविदास जी, महाराजा काशी नरेश आपसे मिलने आ रहे हैं। उससे मिलने आ रहे हैं, पर क्यों? महाराज की जय हो। महाराज आपने आने का कष्ट क्यों किया? अगर मुझसे कुछ अपराध हुआ है तो मुझे बुलावा भेज दिया होता, मैं स्वयं हाजिर हो जाता। वाह ढोंगी वाह, बनकर अपना भोलेपन का नाटक। महाराज इसके भोलेपन को मचाइएगा, बहुत बड़ा ढोंगी और मायावी। तुम चुप रहो, हमारे सामने फिजूल की बात की तो जुबान कटवा देंगे। रविदास जी तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है जो तुम्हें हमारे समक्ष उपस्थित होना पड़ता। दरअसल हम यहाँ अपने स्वार्थ और लालच के कारण आए हैं, हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज, मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ? मैं तो जूते बनाकर चमड़े का छोटा मोटा काम करके बड़ी मुश्किल से अपनी गृहस्थी पालता हूँ। आप तो राजा हैं, आपकी कृपा से तो ना जाने कितने घरों के चूल्हे रोज जलते हैं। रविदास जी हमें इसमें का दूसरा कंगन चाहिए जो केवल तुम ही हमें दे सकते हो। मैं इसमें का दूसरा कंगन मांगना हमारी मजबूरी है, इस कंगन ने हमारी महारानी का मन मोह लिया है। ये कैसे संभव है महाराज, भला मैं इसमें का दूसरा कंगन कैसे दे सकता हूँ? ये तो बड़ा मूल्यवान लगता है और मेरी ये हालत आपसे छुपी हुई नहीं है महाराज। रविदास जी ये कंगन हमें तुम्हारी बदौलत ही प्राप्त हुआ है। मेरी बदौलत आपको ये कंगन प्राप्त हुआ है? महाराज मैं कुछ समझा नहीं। हम तुम्हें बतलाते हैं,
ये कंगन तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा माँ ने तुम्हें भेंट स्वरूप इन लोगों के हाथों में दिया था। आप सच कह रहे हैं ना महाराज, क्या गंगा माई ने मेरी भेंट स्वीकार कर मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर ये कंगन भेंट स्वरूप मुझे प्रदान किया था। तेरा लाख लाख शुक्र है गंगा माँ, तेरे इस आशीर्वाद से तेरा ये रविदास भक्त तुल्य हो गया माँ, तुल्य हो गया। बंद कर अपनी ये नौटंकी, ये तो सब तेरा रचाया हुआ माया जाल है। मैं भला ऐसा किस लिए करूँगा? प्रसिद्धि पाने के लिए। खैरा छोटी जाति का तेरा समाज में कोई महत्व तो है नहीं, बस यही सोचकर तूने मायावी चमत्कार किए होंगे ताकि तेरा और तेरी जाति का समाज में कुछ सम्मान हो सके। परंतु तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अगर तू सचमुच में गंगा माँ का सच्चा भक्त है तो गंगा माँ से दूसरा कंगन इसमें मंगा ले और महाराज को दे दे। गुरु जी, मायावी चमत्कार एक आध बार होते हैं, बार बार नहीं। महाराज चलिए यहाँ से, यहाँ आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं चमत्कार दिखाने और देखने के पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि प्रभु की भक्ति सच्चे मन और पवित्र आत्मा से की जाती है। किसी की भक्ति को नीचा दिखाकर अपने को बड़ा साबित करना ये प्रभु के भक्तों को शोभा नहीं देता। तू हमें उपदेश मत दे, तू सचमुच में ही इतना बड़ा भक्त है तो चल गंगा के तट पर और कर दे महाराज की इच्छा पूरी। शास्त्री जी, अगर आप मेरी भक्ति की परीक्षा ही लेना चाहते हैं तो उसके लिए गंगा माई के तट पर जाने की क्या आवश्यकता है? क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं शास्त्री जी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। शास्त्री जी, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो गंगा माई को मेरी इस कठौती में से प्रकट होकर मेरी भक्ति की लाज रखनी होगी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि गंगा माँ स्वयं तुम्हारे इस गंदे पानी से प्रकट होंगी और तुम्हारी भक्ति की लाज रखेंगी? किसी ने सच ही कहा, नीच आदमी हमेशा नीचा ही सोचेगा। तुम अपनी बकवास बंद करो। रविदास जी, हमें तुम्हारी भक्ति पर बिल्कुल भी संदेह नहीं। यदि तुम हमें दूसरा कंगन नहीं दिला सकते तब भी हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। नहीं महाराज, अब बात सिर्फ कंगन की नहीं, मुझ जैसे नीच जाति के भक्त की है। अगर मैं इस तरह हार गया तो मेरा मेरी जाति में जन्म लेना बेकार हो जाएगा और ये मेरी जाति के माथे पर कलंक होगा और मैं अपनी जाति के माथे पर कलंक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जाति, मेरा समाज, मेरे नाम को धिक्कारे, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। महाराज, मैं आपकी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करता हूँ। आओ भाया हूँ पहाड़ के नीचे। खोलो भक्त रविदास, लो ये कंगन ले लो। छोटी जाति को और छोटा होने से बचा लिया माँ, तूने मेरी लाज रख ली वरना तेरा ये भक्ति रविदास आज किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता माँ।
हमें क्षमा कीजिए रविदास जी, आज आपको हमारे कारण अपनी भक्ति का इम्तिहान देना पड़ा। हम आपको और आपकी भक्ति को प्रणाम करते हैं। यदि हम कभी भी आपके काम आ सके तो इसे हम अपना सौभाग्य समझें। बोलो संत रविदास की जय, गंगा मैया की जय। अच्छा रविदास जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। जय जी आपकी इच्छा। अब चलो यहाँ से, अपना मुंह काला कराने के बाद भी नहीं चलोगे क्या?